आज की सबसे बड़ी खबर है वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। वन नेशन वन इलेक्शन का जो प्रस्ताव है उसे क्लियर किया है, यानी उसे मंजूर किया है केंद्रीय कैबिनेट ने। और अब से थोड़ी देर पहले रविकांत जानकारी दे भी रहे थे कि किस तरीके से कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि इसी कार्यकाल में लेकर आएंगे। वन नेशन वन इलेक्शन पर जो रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में कमेटी बनी हुई थी उसने रिपोर्ट पहले राष्ट्रपति को सौंप दी थी। उस रिपोर्ट की चर्चा कैबिनेट में और जो प्रस्ताव आया है उस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। आज की सबसे बड़ी खबर और सबसे बड़ी पॉलिटिकल न्यूज है, इसलिए कि देश में अलग अलग राज्य अलग अलग समय पर अलग अलग चुनाव होते रहते हैं। अभी आप देखिए चुनाव हो रहे हैं, थोड़े से मैं बात फिर चुनाव, तो क्या पूरे देश में एक साथ चुनाव कराए जा सकते हैं, इसको लेकर बार बार गहन मंथन होता रहा है। अलग अलग समय पर अलग अलग पार्टियों की अलग अलग राय खुलकर सामने आती रही है, कई पार्टियां इसके विरोध में भी रही हैं। हालांकि सरकार ने कहा है कि संसाधनों का बढ़िया इस्तेमाल हो, देश बहुत तेजी से विकास के रास्ते पर चले, इसलिए जरूरी है कि वन नेशन वन इलेक्शन की थ्योरी पर हम आगे बढ़े। और इसीलिए सरकार ने पहले ही पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक कमेटी बना दी थी। कमेटी की कई सारी बैठकें हुई, कमेटी ने एक रिपोर्ट भी तैयार की थी और रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंप दी, जो जिसका जिक्र अब से थोड़ी देर पहले रविकांत भी कर रहे थे। और अब जबकि केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हो रही थी तो उस बैठक में इस बात पर चर्चा भी हो गई है, उस रिपोर्ट पर भी चर्चा हुई है, प्रस्ताव पर भी चर्चा हुई है और वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। तो आज की ये सबसे बड़ी खबर है।